नमस्कार, मेरा नाम है भावना चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। बेल वाले आइकन पर भी क्लिक कीजिए कि जितने भी नोटिफिकेशन है मेरी रेसिपीज के, वो आपको मिलते रहें अपडेट्स के साथ और आप उन्हें देखते रहें और किचन में बनाते रहें। मेरा पेज भी है फेसबुक पेज भावना चौधरी के नाम से, प्लीज आप उसे लाइक कीजिए। और इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए, टाइम हो गया है, किचन में चलते हैं। और आज हम बनाने वाले हैं चटपटे इमली वाले छोले। आज हम अपनी किचन में चटपटे खट्टे मीठे छोले बनाने वाले हैं, भूरे चने जिन्हें कहा जाता है। सो ये छोले मैंने भिगा के और उसके बाद इनको प्रेशर कुकर कर लिया है। उसके बाद आधे छोलों को इस तरह से मैश कर लिया है और बाकी जो है वो मैंने साबुत रहने दिए। उसके बाद जो ग्रेवी है उसके लिए यहाँ पर हमने तैयारी की है, जिसमें जो प्याज है उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, टमाटर को हमने कद्दूकस कर लिया है, इसके अलावा जो अदरक है उसके छोटे छोटे पीसेस एंड लहसुन को भी हमने कद्दूकस कर लिया है। तो इन तीनों चारों चीजों के साथ हमारी अच्छी थिक ग्रेवी बनेगी और उसके बाद इस ग्रेवी को एक खूबसूरत कलर मिलेगा हमारे इमली के पानी के साथ। तो एक बोल भर के इमली का ये पानी मैंने तैयार किया है। सो इमली का पानी तैयार करने के लिए इमली को आप गर्म पानी में डाल दीजिए, उसके बाद अच्छे से मैश करके उसके बीज निकाल दीजिए और उसको स्ट्रेन कर लीजिए। तो इस तरह का अच्छा सा थिक इमली का जो पानी है वो तैयार हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा गाढ़ा ही है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है, काफी यमी लगते हैं छोले में जब आप इसको डाल देते हैं। अच्छा, तड़के के लिए हमने क्या क्या लिया है एक बार वो बताना चाहूंगी। जो मसालेदानी की चम्मच होती है उससे एक चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा लिया है, तीन चुटकी हींग ली है, इसके अलावा हमने आधी से थोड़ी सी ज्यादा हल्दी, आधी चम्मच से ज्यादा, और आधी चम्मच मिर्च ली है, और आधी से भी आधी चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, क्योंकि ज्यादा तीखा करना नहीं है, बच्चों ने भी खाना है और बच्चों को बहुत ज्यादा मिर्च पसंद नहीं होती है। एक चम्मच यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर लिया है और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर चना मसाला लिया है। तो कोई भी जो भी ब्रांड का आपको अच्छा लगता है मसाला, वो आप चना मसाला ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक हरी मिर्च ली है और साथ में दो तीन छोटी छोटी लाल मिर्च ली है, तेज पत्ता लिया है और साथ में कड़ी पत्ता भी लिया है। तो चलिए फटाफट हम अपने चटपटे छोलों का तड़का लगाते हैं। छौंक लगाने के लिए तेल हमने कढ़ाई में गरम कर लिया है और फटाफट से तड़का लगा लेते हैं। तो एक साथ हमने इसमें डाल दिया है जीरा और हींग, सारे मसाले इसमें हम डाल रहे हैं, लहसुन और अदरक के पीसेस, और उसके बाद कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च, और अब ये प्याज। और अब हमने डाल दिए हैं कद्दूकस किए हुए टमाटर। और इस मसाले को तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। ताकि ग्रेवी का जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा रहे। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इस मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है और ये देखिए तेल जो है इस मसाले ने छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब कि प्याज टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे
छोले। और अब बारी है इसमें स्वाद के हिसाब से नमक को ऐड करने की। तो इसमें अभी थोड़ा सा अच्छे से इसको बॉईल होने देते हैं और नमक हमने डाल दिया है। और अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं इमली का ये पानी और साथ में इसमें हमने डाल दिया है थोड़ी सी चीनी। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून चीनी इसके अंदर हमने डाली है। सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सो इमली से एक तो जो कलर है छोले का वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और प्लस इमली से एक बहुत ही टेस्टी यमी फ्लेवर हमारे छोले में आ जाएगा। तो ये छोले भटूरे के साथ या चावलों के साथ, चपाती, गर्मा गर्म पराठों के साथ आप खाइए, बहुत यम लगते हैं। और छोले तो हम सभी के घरों में बनते हैं, तो ये इमली के झोल के साथ एक बार आप जरूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे नींबू का रस। इसमें मैंने नींबू का रस डाल दिया है और साथ में फ्रेश धनिया डाल दिया है और ये छोले हमारे बनके रेडी हो गए हैं। और आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, ये बहुत टेस्टी है और इनका खट्टा मीठा स्वाद वाकई में आपका जो दिल है ना वो खुश करने वाला है। तो अगर खट्टी मीठी चटपटी छोले की सब्जी आपको पसंद आई है तो अभी के अभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल वाले आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जितनी भी रेसिपीज मैं डालती हूँ उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, आप उसे भी लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप मुझे फॉलो भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया चटपटे छोले की खट्टी मीठी सब्जी को देखने के लिए।